Hi guys, मैं हूं आपका होस्ट मिनाल दत्त एंड वेलकम टू अनदर ब्यूटीफुल एपिसोड ऑफ यह है आशिकी। गाइस, क्या लव और हेट्रेड को एग्जिस्ट कर सकते? इज इट पॉसिबल कि किसी की नजरों में आपके लिए नफरत हो और दिल में प्यार हो? बड़ी अजीब बीमारी है जिसे कहते हैं लव हेट रिलेशनशिप। हमारी आज की कहानी भी इसी बात है। एक तरफ है इंडियन आर्मी का ऑफिसर रणवीर और दूसरी तरफ है पर्सनल ट्रेजेडी से गुजर रही सुनाली। कितनी अलग होगी इनकी लव स्टोरी, चलिए देखते हैं। एक सेकेंड, वहां रुकना। एक्सक्यूज मी, आप ये एड्रेस बताएंगे प्लीज? कभी नहीं आएगा, अब सिर्फ उसकी यादें आएंगी और ये लोग उनकी यादों की पहली इंस्टॉलमेंट लेकर आए हैं। बस आगे बढ़ने का ऑर्डर मिलते ही मैं चार्ज लीड करूंगा, तो बस कवर फायरिंग देना और लोग जैसी बातें मत कर। हम तो ये भी नहीं जानते कि एनिमी बंकर में कितने दुश्मन है और तू कोई आयरन मैन नहीं है, समझा? आयरन मैन के पास लोहा बहुत होगा, लेकिन मेरे पास सोना है। क्या? मेरे पास सोनाक्षी की फोटो है और जब तक ये फोटो मेरे पास है कोई बुलेट मुझे छू तक नहीं सकती। कैप्टन विपिन खन्ना बहुत ही बहादुर सोल्जर था। वो ना तो गोलियों से डरता और ना ही दुश्मनों की परवाह करता, बस हमेशा ये कहता रहा कि उसे दुश्मन की गोली कभी भी छू नहीं सकती।
क्या ढूंढ रही है बेटा? मेरी एक फोटो उनकी लकी चांद थी, कहाँ है वो फोटो? भाई हमेशा मेरी एक फोटो अपने पास रखते थे, उनकी लकी चांद थी वो फोटो। उस फोटो के होते उनको कभी कुछ नहीं होगा। मैम ऐसी कोई भी फोटोग्राफ हमें विपिन की बॉडी के पास नहीं मिली। ये पॉसिबल नहीं है, आप लोग झूठ बोल रहे हैं। शांत हो जा बेटा। माँ भाई वो फोटो अपने से कभी दूर नहीं रखते थे, because I always protected him. मतलब उनकी डेथ के वक्त वो फोटो उनके पास थी नहीं। शायद तेरी फोटो ने विपिन की जगह किसी और की जान बचाई। किसके पास है वो फोटो? कौन है जो मेरे भाई के हिस्से की जिंदगी जी रहा है? I don't care किसकी जान बची हो माँ, वो फोटो मेरे भाई के लिए थी। आपको पता है माँ, जब लास्ट ईयर ना भाई ने दो टेररिस्ट का एनकाउंटर किया था, तब उन्होंने मुझे बताया था कि वो फोटो उनके लिए बहुत लकी थी, इसलिए उनकी जान बची। इस बार वो फोटो उनसे किसी ने चुरा ली होगी। मैं उस चोर को कभी माफ नहीं करूंगी माँ, उस चोर को कभी माफ नहीं करूंगी। मैम हमें जैसे ही इस फोटो के बारे में पता चलेगा हम आपको इन्फॉर्म जरूर करेंगे। माफ करना बेटी, अभी बात करने की हालत में नहीं। यार आज का असाइनमेंट है ना बहुत टफ था यार। रणवीर तू जानता है कि मेरे एक बार कहने पर कमांडिंग ऑफिसर ने मेरी छुट्टी अप्रूव कर दी बहुत सारे काम करने। माँ कह रही थी कि घर का शेड रिपेयर करना है, बस एक बार ये ऑपरेशन खत्म हो जाए ना देन आई विल बी ऑफ। अरे विपिन हाँ, फिर तो तू परसों रिलीज हो जाएगा, तुझे नई असाइनमेंट में जाने की जरूरत ही क्या है? वो इसलिए क्योंकि सबसे पहले मैं दुश्मनों को एक लंबी छुट्टी पर भेज दूं। चल चल अब उठ, हम सब मार्केट जा रहे हैं। नहीं यार मैं नहीं जाऊंगा, मुझे रेस्ट करने दे, तू जा। सीधी तरह चल रहा है वरना कंधे पे उठा के मार्केट ले चलूंगा। चल यार तू इतनी एनर्जी लाता कहां से? तेरे घर वाले तो तुझसे बहुत परेशान होते होंगे। तू मेरी छोटी बहन से मिलानी है ना, इसलिए सब क्या? क्यों वो भी लगातार ही बोलती है मतलब बिना रुके? नहीं यार उसके सामने तो कभी कभी मैं खुद नहीं बोल पाता, पर जब भी वो बोलती है ना बड़ा सुकून मिलता है मन को। यार रणवीर मैं अपनी माँ की खुशी और बहन की हंसी के लिए ये कैप्टन खन्ना खड़े खड़े जान दे सकता है। मैं आपका दुख समझ सकता हूं, विपिन मेरे लिए एक दोस्त से बढ़कर था, बस कुछ अधूरे काम थे जो विपिन करना चाहता था लेकिन कर नहीं पाया। अगर आपकी इजाजत हो तो क्या मैं उसके अधूरे कामों को पूरा कर सकता हूं? हमें किसी की भी मदद की कोई जरूरत नहीं, हम अपनी जिंदगी ना खुद जोड़ लेंगे, तो आप यहां से जा सकते हैं। विपिन मेरे बहुत खास था लेकिन अगर मैंने उसके कोई काम नहीं किया ना तो मुझे अपने आप को ऑफिसर कहने में शर्म आएगी। क्या मैं यहाँ रहकर उसके अधूरे काम कर सकता हूँ? प्लीज आपको समझ में नहीं आता है क्या? आप प्लीज जाइए यहाँ। ठीक है बेटा, जब तक तुम्हारा मन हल्का नहीं हो जाता तुम यहाँ रह सकते हो जैसे विपिन रहता था। पर माँ ऐसे मैं यही समझूंगी कि विपिन की कमी तुम थोड़े दिनों के लिए पूरी कर रहे हो। पर माँ हम ऐसे किसी को ट्रस्ट नहीं। मैं अपना फैसला सुना चुकी हूँ सोना।
बिजी है या बदतमीजी? और हम बदतमीजी दिखाओ भाई, अरे तमीज दिखाओ भाई। शहीद विपिन खन्ना की फैमिली है, हैं? पागल हो, हैं? पागल हो? ये खान का भूसे की छत लाद के रहे, अरे कोई फायदा नहीं। आंटी जी ने सिखाया नहीं कि पानी में रहकर मगरमच्छ से वैर नहीं करते हैं। दो दिन का टाइम दे रहे हैं तुम्हें। दो दिन में ना यहाँ वापस आके देखो, मैं भी देखती हूँ कितने मर्द हो। अरे दो दिन का टाइम है तेरे पास, चलो रे। कौन थे वो लोग? आपसे मतलब? एक्सक्यूज मी, आप ये मत सोचिएगा कि मैं आपसे कंप्लेंट कर रहा हूं, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूं कि ये कब तक पकड़ के खड़े रहना? वैसे हनुमान जी ने तो पर्वत उठाया था क्योंकि वो गॉड थे, बट अनफॉर्चुनेटली मैं इंसान हूं, सो कैन यू जस्ट पास मी दैट रॉड? हनुमान जी को भी किसी ना किसी ने तो थैंक यू जरूर बोला होगा। थैंक यू ना उससे कहा जाता है जिससे मदद मांगी जाती है। बाय द वे, जिस दिन आप इस घर से जाने का डिसाइड कर लेंगे ना, उस दिन पूरे दिल से मैं आपको थैंक यू कहूंगी। विपिन ने कहा था कि आपके मुस्कुराने से भारी बोझ भी हल्का हो जाता है। मेरा मन भी आजकल बहुत भारी रहता है, तो Can you help me out? I mean, मन हल्का करने के लिए। जब इमोशंस भारी हो जाए ना, तो उन्हें खर्च कर देना चाहिए, चाहे मुस्कुराकर, नहीं तो चाहे आंसू बहाकर। मुझे नहीं पता कि आर्मी में ना लेक्चर देने का भी कोर्स होता है। आपको इस घर में मेरी माँ ने रहने का परमिशन दिया है ना, तो अपना ये स्पीच ना उन पर जाकर ट्राई करना, मुझ पर नहीं। ओके सोना, जाने दो, बहालो आस, विपिन जा चुका है। अरे बेटा तुम हो, मुझे लगा सोनाक्षी। जब विपिन की खबर आई तो सोनाक्षी ने हमारे और उसके सारे फोटोज दीवार से उतार दी। ये गुलमर्ग वेकेशंस की पिक्चर्स हैं। विपिन हमेशा इस ट्रिप के बारे में बताता था। उसने ये भी बताया था कि उसने सोनाक्षी की खुशी के लिए बैलून शूटिंग गेम में हारने का फैसला किया ताकि सोनाक्षी को खुश देख सके। हमेशा आपकी बातें करता रहता था। मां मुझे आपसे कुछ बात करनी थी।
तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? माँ, इससे इतने गुलने मिलने की कोई जरूरत नहीं है। मैं आपसे आखिरी बार कह रही हूँ, ये यहाँ पे फिर से नहीं रहे। और तुम निकलो बाहर यहाँ से। लगता है इन्हें भी हमारे कमांडर ऑफिसर की तरह जोक्स पसंद नहीं है। लेकिन डिफरेंस सिर्फ इस बात का है कि वो अपनी घनी मूंछों के पीछे छुप कर हंस तो लेते थे। हो गया, निकलो। माँ कितनी अच्छी लग रही थी ना मुस्कुराते हुए। लास्ट कितने खुल के कब हंसी थी माँ। जी हाँ, प्लीज जस्ट लीव मी अलोन। ओके, मैं तो बस ये देखने आया था कि तुम ठीक तो हो ना। क्यों आए हो तुम यहाँ पे? क्या चाहते हो हमसे? कुछ नहीं चाहता हूँ, बस तुम्हारी और माँ की मदद करना चाहता हूँ। लिसन केयरफुली, माँ इस वक्त बहुत वल्नरेबल है, इसलिए तुम्हारी बातों में आ गई। लेकिन मैं माँ की तरह नहीं हूँ। ओके, I know your types. तुम भी बाकी लोगों की तरह हो ना, जिसने देखा कि इस घर में तो औरतें अकेली हैं, तो फायदा उठा लूं। ना इस घर के शेड को तुम्हारी सपोर्ट की जरूरत है और ना ही हमें। समझ गए? तुम्हें अगर थोड़ी सी भी सेल्फ रिस्पेक्ट बाकी है ना, तो अपना सामान लो और निकलो यहाँ से। अगर तुम मुस्कुरा दोगी तो विपिन की यादों को भूल नहीं जाओगी। विपिन भाई था तुम्हारा, जब तक वो जिंदा था तुम्हारी हंसी की वजह था। लेकिन कभी तुमने सोचा कि आज वो जहां कहीं भी होगा, तुम्हें और माँ को इस हालत में देखता होगा, तो उसे कैसा लगता होगा? मेरे लिए नहीं, अपने लिए नहीं, कम से कम विपिन की यादों पर तो एहसान कर सकती हो ना।
सोना कहाँ खो गई? कुछ नहीं माँ। वाह 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 वाह, क्या बात, घर के सारे लोग तो बाहर ही है, अब सिर्फ सामान फेंकना बाहर रह गया। वैसे मैडम, नया घर ढूंढा या रोड पे? वैसे रात को सर्दी बहुत होती है, तो अगर जरूरत पड़े तो मुझसे कंबल ले ले, वो क्या है ना, कम से कम ठंड तो नहीं लगेगी। सुन बे कंबल के खटमल, ये घर इनके लिए काफी कंफर्टेबल है, इसलिए ये घर ये तो नहीं छोड़ेंगे। तू कौन है? माँ को अंदर लेके जाओ, बाहर धूप बहुत। सोना, माँ को अंदर लेके जाओ। अरे उन्हें छोड़, तू बता भाई, तू कौन है? इस घर का बेटा। ये चाकू जानता है बेटा? है? ये जब गर्दन के 6 इंच आसपास आता है ना, तो सारी हीरो पंती पसीने में निकल जाती है। दूरी चाहे 6 इंच की हो या 600 मीटर की, जान हथियार नहीं, हथियार चलाने वाला लेता है। और वैसे भी जब हथियार फौजी के हाथ में हो ना, तो और भी कमाल लगे। सुन, आगे से इस घर के आसपास भी दिखाना, तो तुझे मारने के लिए मुझे हथियार को कष्ट देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, समझा? चल निकल, चल रे। तुम्हें पता है ये फोटो ना मेरे सबसे फेवरेट फोटो है। ये सनग्लासेस विपिन के थे ना? बताया था मुझे कि तुमने ये खरीदने के लिए अपनी पूरी पॉकेट मनी खर्च कर दी थी। एक्चुअली चुपके से लेनी पड़ी, लेकिन भैया ना अपने लिए कोई चीज खरीदने देते ही नहीं थे। इनफैक्ट अपनी जरूरत की चीजें भी नहीं खरीदते थे, और मेरी कोई भी जिद झट से पूरी कर देते थे। इसमें तुम लोग इतने थके हुए क्यों लग रहे हो? क्योंकि उस दिन ना बलून शूटिंग गेम में मैं जीत गई। एक्चुअली जीती नहीं, भैया जानबूझ के हार, इसलिए। और ये फोटो जब भैया की आर्मी में पोस्टिंग हुई थी ना, ये फोटो ना भैया हमेशा अपनी सोशल नेटवर्किंग साइट पे अपलोड करना चाहते थे, क्योंकि इस फोटो में ना ये बहुत अच्छे लग रहे हैं और मैं बहुत बुरी, और इसके लिए वो हमेशा झगड़ते थे। लेकिन अब वो झगड़ने के लिए रहे ही नहीं।
सॉरी, आई एम वेरी सॉरी, मुझे नहीं पता मैं कब सो गई, आई मीन आई एम रियली सॉरी, आई एम सो सॉरी, इट्स ओके। फोटो तुम्हारे पास कहां से आ? तुमने ये बात मुझसे अब तक क्यों छुपाया? झूठ क्यों बोला रणवीर? क्या तुम वही हो जिसने मेरे भाई से ये फोटो छीनी? हाँ हाँ, मैं विपिन के पास था जब उसे बॉम्ब से उड़ा दिया गया। ये फोटो उससे गिर गई थी और जब मैं उसे कवर फायर देने के लिए गया तो मेरी गन जाम हो गई। ये बात मुझसे अब तक क्यों छुपाई तुमने? झूठ क्यों बोला रणवीर? झूठ क्यों बोला? मैंने कोई झूठ नहीं बोला, बस उस वक्त तुम सच सुनने के लिए तैयार नहीं थी। You are lying, रणवीर, तुम झूठ बोल रहे हो। You're responsible for my brother's death. तुम्हें जिंदगी जीने का कोई हक नहीं है, कोई हक नहीं है रणवीर। ठीक है सोना, अगर तुम्हें लगता है कि मुझे मारने से विपिन वापस आ जाएगा देन शूट मी। प्लीज अपने आप को टॉर्चर मत करो, मैं तुम्हें ऐसे नहीं देख सकता। मैं बस तुम दोनों को खुश देखना चाहता हूं। देखूंगी ना तो मुझे भाई की डेथ की याद आ जाए। अब इसका एक ही सलूशन। सोना, मैं बस तुम्हारी खोई हुई खुशियां लौटाने आया था, लेकिन जब मैं यहां आया तो तुम मेरी खुशी की वजह बन गई। तुम चाहती हो ना कि मैं यहां से चला जाऊं, तो ठीक है, मैं चला जाऊंगा अभी इसी वक्त। लेकिन तुम्हें मुझसे एक वादा करना होगा कि तुम ये दर्द भरी जिंदगी हमेशा हमेशा के लिए जीना बंद कर दोगी। आज तक मैंने सिर्फ दुश्मनों की जान ली है, अगर किसी को नई जिंदगी दूंगा ना तो अपने गिल्ट से कोप अप कर पाऊंगा। मैं जा रहा हूं,
हमेशा हमेशा के लिए सोनाक्षी। सोना, रणवीर विपिन की मौत का जिम्मेदार नहीं है, वो उसका दोस्त था, उसके लिए अपनी जान दे सकता था वो। सोना, उसने मुझे सब कुछ बताया, उसकी गन जाम हो गई थी। माँ, मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। विपिन की मौत का गम उसके लिए भी तो गहरा था। फिर भी वो अपने दुख छुपाकर हमारे आंसू पोंछता रहा। अपनी जान का शुक्र मनाता और चला जाता अपने परिवार के पास। लेकिन वो यहां आया जिससे कि वो तुम्हें मुस्कुराता हुआ देख सके। सोना, वो बस यही चाहता है कि जब भी तुम विपिन को याद करो, तुम्हारे चेहरे पे मुस्कुराहट आए। वो तुम्हें प्यार करता है सोना। बाबरी ये आशिकी, गुस्ताख सी ये आशिकी, होता है इसका असर दुनिया जहां की ना खबर, मजहब यही खुदा यही। रणवीर, ऐ बाबरी ये आशिकी, गुस्ताख सी ये आशिकी। मैं कितनी स्टूपिड थी ना रणवीर, मैंने सोचा तुम्हारे वजह से हाय कभी वापस नहीं आएगा। I'm very sorry. जब तुम यहाँ पे आए थे ना, I was waiting कि तुम वापस कब जाओगे। अगर तुम चले जाते तो फिर कितनी अनलक्की होती। Please don't leave me. Please don't leave me, Tanvir. मेरे पीजेस बहुत खराब होते, तुम्हें तो मुस्कुराना भी नहीं आता। तुम भी सोच लो फिर, मुझे बलून शूटिंग में हराना बहुत मुश्किल है। कभी कभी हम अपनी जिंदगी में अपने हालात और किस्मत से नाराज होते हैं। अपना गुस्सा जाहिर करने के लिए हम आउटलेट्स ढूंढने लगते हैं। सोनाक्षी के अंदर भी ऐसा ही गुस्सा था जिसने उसकी फीलिंग्स को दबा रखा था। लेकिन कहते हैं अगर प्यार सच्चा हो तो वो छुप नहीं सकता।
बड़ी से बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग्स को सॉल्व कर देगी। खाली आंखों पे पड़ा नफरत का पर्दा हटना चाहिए। ऑन दिस पोएटिक नोट आई एम गोना टेक योर लीव बट नॉट फॉरएवर। मैं आपसे मिलूंगा अगले एपिसोड में, नई कहानी, नई कैरेक्टर्स, वही पुरानी आशिकी के साथ। टिल नेक्स्ट टाइम, बीन लव।